अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं चौधरी रिजवान और आप देख रहे हैं CHR TV यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोया बाय M1 का माइक जो है वो एंड्राइड फ़ोन के साथ किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी जगहों पे मैंने ये कमेंट पढ़े हैं, मैसेजेस पढ़े हैं। ज़्यादातर जो दराज ऑनलाइन की एप्लीकेशन है उसमें मैंने इसको सर्च किया है, तो उसमें मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं कि क्या ये एंड्राइड फ़ोन के साथ सपोर्टेड है या नहीं है। तो इस तरह के बहुत से मैसेजेस पड़े हैं, बहुत सारे कमेंट पड़े हैं कि जिन लोगों ने लिए हुए भी हैं लेकिन उनके मोबाइल के साथ ये माइक सपोर्ट नहीं कर रहा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी हवाले से बताऊंगा कि किस तरह ये जो बोया बाय M1 का माइक है वो किस तरह हर मोबाइल फ़ोन के साथ सपोर्टेड हो सकता है और होता है। मेरे मोबाइल के साथ भी नहीं था, तो मुझे ये तरीका रिसेंटली पता चला है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये साइड के ऊपर अनबॉक्सिंग भी आप देख सकते हैं, मैंने नया माइक लिया है, तो इसकी अनबॉक्सिंग भी मैं आपको दिखा दूं, उसके पार्ट्स भी दिखा दूं कि किस तरह के हैं, और इसके जो स्पेसिफिकेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसको इसकी आप स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले के आप इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये मिनिमम और मैक्सिमम तकरीबन 1800 रुपये का मिल जाता है। ये जो पैक मैंने आपको दिखाया है इसके ऊपर तकरीबन 2200 रुपये इसकी कीमत लिखी हुई है, लेकिन 1800-1900 रुपये तक आपको अगर आप ऑनलाइन मंगाएं या आप डायरेक्ट मार्केट से लें तब भी आपको इतना ही पड़ता है। तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट मार्केट से लेना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऑनलाइन जो आता है उसके कोई गारंटी नहीं होती, कोई वारंटी नहीं होती और उसकी कोई कंफर्मेशन भी नहीं होती कि वो चीज़ ठीक है किस तरह की है। तो इसके साथ अगर वायर की बात की जाए तो 6 मीटर लंबी वायर है इसके साथ, आप बहुत ही आसानी के साथ दूर खड़े होकर भी बआसानी अपनी वीडियो जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद अगला काम जो आपने करना है वो एक एप्लीकेशन है, छोटी सी एप्लीकेशन है, वो आपने इंस्टॉल करनी है। वो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और बताता हूँ। उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने थोड़ी सी सेटिंग करनी है, शॉर्ट सी वीडियो है और इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। तो आपका बोया बाय M1 का माइक हर मोबाइल के साथ सपोर्ट करेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन नज़र आ रही है ओपन कैमरा के नाम से, ये ओपन कैमरा के नाम से एप्लीकेशन है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उससे आपने डाउनलोड कर लेना है इसको और इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अगर ये जो राइट साइड के ऊपर आपको सेटिंग वाला आइकन नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो सेटिंग के ऊपर आपने जाना है, ये आप देख सकते हैं। वीडियो सेटिंग में आपने चले जाना है, उसके बाद थोड़ा सा अगर इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑडियो सोर्स नज़र आ रहा है, ये ऑडियो सोर्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये जो सेकंड लास्ट जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्टिमाइज फॉर वॉइस रिकग्निशन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये जो रिकॉर्ड ऑडियो का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इसको भी आपने एनेबल कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, इसको सब्ज़ करना है, तभी आपकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो बेहतर रिज़ल्ट आएगा उसका। तो ये इतना सा काम है दोस्तों जो आपने करना है, तो यकीनन आपकी जो वीडियो है वो अच्छी बनेगी और उसकी जो बोया बाय M1 का माइक है वो उसको लाजमी सपोर्ट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के निशान को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।